नदियां सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कई रूप से सहायक मानी जाती हैं, लेकिन आज इनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। जहां मऊ रानीपुर की पवित्र पावनी सुखनई नदी अब नदी न रहकर नाला में परिवर्तित हो गई है। नदी जो कि कई तरीकों से इस्तेमाल की जाती है, नदी का जल पवित्र माना जाता है। नदियां सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कई रूप से सहायक मानी जाती हैं। नदियां हमें जल प्रदान करने के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी देती हैं। इसके अलावा खेतों के लिए सिंचाई का पानी, पीने के लिए साफ पानी, जीवन निर्वाह के लिए मछली पालन, रोजगार तथा अन्य कई सारे रोजगार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ नदी एक सुंदर दृश्य भी बनाती है। कहते हैं कि अगर नदियों में अच्छा पानी हो तो सूखा पड़ने की संभावना कम रहती है, लेकिन नदियों की साफ सफाई होते रहना भी जरूरी होती है। यह विडंबना ही है कि हमारी आस्था की पवित्र और संस्कृति से जुड़ी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। लोग काफ़ी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलिथिन आदि डाल रहे हैं, जिससे आज भारत की नदियां दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। इन नदियों का पानी ही नहीं वरन आसपास की भूमि भी बंजर बनती जा रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ नदियों को माता कहकर पूजा जाता है तो दूसरी ओर उनमें शिविर, कचरा और शव डाले जाते हैं। ऐसे में नदी को पूजने और पवित्र कहने का कोई अर्थ नहीं बचता है। ठीक ऐसा ही हाल पिछले 20 सालों से मऊ रानीपुर की सुखनई नदी का है, जिसकी सफाई केवल सिर्फ सरकारी कोरम में हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नदी का स्वरूप नहीं बदल रहा है। सुखनई नदी अब नदी न रहकर नाला में परिवर्तित हो गई है, जिससे लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर घोटाले का आरोप लगाया है और कहनी है कि पिछले 20 सालों से केवल कागजों पर नदी की सफाई हो रही है। मऊ रानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-pharma, M-pharma, BSc, B-tech, M-tech and polytechnic diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.